नमस्ते बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आप कैसे हैं? होप ऑल आर फाइन। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट हिंदी व्याकरण। ओके, आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्याकरण की परिभाषा। अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस व्याकरण की परिभाषा ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि व्याकरण ही हर भाषा की रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी होती है। इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, यू शुड लर्न द ग्रामर फर्स्ट, बिकॉज ग्रामर इज ए बैकबोन, बैकबोन फॉर ऑल लैंग्वेजेस। बैकबोन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर body, like that grammar is a backbone for all languages. Okay children, let us see some sentences before learning the grammar explanation. Okay, व्याकरण की परिभाषा जानने से पहले हम देखेंगे कुछ वाक्य। पत्ता पेड़ पर गिर पड़ा, पत्ता पेड़ पर गिर पड़ा। पट के मीनिंग द लीव्स फेल डाउन फ्रॉम द ट्री मे सीम्स टू बी करेक्ट, बट ग्रामेटिकली इट शुड रीड इट एज फॉलोस। पत्ता पेड़ से गिर पड़ा, पत्ता पेड़ पर गिर पड़ा, दैट इज द रॉन्ग फॉर्म। पत्ता पेड़ से गिर पड़ा इज राइट फॉर्म। ओके चिल्ड्रन, लाइक दैट। सेकंड एग्जांपल, हम जेबिन के घर चलते हैं, हम जेबिन के घर चलते हैं। वी आर गोइंग टू जेबिन्स होम, दैट इज द मीनिंग। व्हाइल राइटिंग इन हिंदी हाय इज सिंगुलर, सी दिस इज सिंगुलर। Hi, hi is plural. The dot is there. The bindu is there. Okay, hi is plural. You should know that there is only dot is a difference between these two letters, hi and hi. This dot only difference. We should remember that if you are not putting dot, the meaning of the sentence will differ. So you write plural letter hi. Bindi, it's very important. We should put dot. This is the dot. Okay. एक अनुनासिक बिंदी नहीं लगी सी सी, इसलिए पूरा वाक्य अशुद्ध था। हम जेबिन के घर चलते हैं, दिस इज द रॉन्ग फॉर्म। बिंदी लगा था, क्या हुआ, हमने वाक्य शुद्ध किया। शुद्ध रूप क्या है, हम जमीन के घर चलते हैं। बिंदी इज द, दिस इज प्लूरल फॉर्म। ओके, वाक्य में कभी कभी लिंग की गलती होती है। समटाइम्स हैपन लाइक दैट, समटाइम्स द सेंटेंस मीनिंग विल बी रॉन्ग इफ जेंडर इज नॉट करेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सीता चलता है, सीता चलता है रॉन्ग फॉर्म, सीता चलती है राइट फॉर्म। द अबव एग्जांपल, सीता इज फेमिनिन जेंडर, सो वी शुड राइट एज सीता चलती है। सीता चलता है इज रॉन्ग फॉर्म। ओके चिल्ड्रन, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर, व्याकरण की परिभाषा। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। द स्क्रिप्चर्स दैट टीच स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग इन ए
pure language are called grammar. Okay? अगर हमारी भाषाओं में व्याकरण ना हो तो हमारे भाषाएं अशुद्ध हो जाएंगी. इफ देर इज नो ग्रामर ऑल सेंटेंसेस विल गिव रॉन्ग मीनिंग. ओके, सो ग्रामर इज वेरी एसेंशियल फॉर स्पीकिंग राइटिंग एनी लैंग्वेज इन करेक्ट फॉर्म. ओके, परीक्षा में शिक्षक एवं उच्च अधिकारियों को बोलते समय कोई एप्लीकेशन लिखते समय हमें हमेशा गलतीहीन भाषा से बोलना चाहिए. इट इज वेरी एसेंशियल व्हाइल स्पीकिंग विद द एल्डर्स मेकिंग एप्लीकेशंस इंटरेक्शन विद द ऑफिसर्स राइटिंग एग्जामिनेशन एक्सेट्रा. ओके चिल्ड्रन, have a nice day. Take care. Stay safe. Thank you. Bye.